बनके रेडी हो चुका है ये मुगलई पराठा। मैं देखिए फ्रेंड्स इसे कट करके आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर जो स्टफिंग है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसे प्रेजेंट करेंगे और ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और ज़रूर बनाइएगा। लखनऊ की ये स्पेशल रेसिपी है जो कि मुगलों के समय में बनाई जाती थी। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सबका स्वागत है एम स्टेम लैब में, जहां मैं बनाती हूं क्रिएटिव डिशेज। तो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है, सीरीज की एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है जो कि लखनऊ से थी, क्योंकि यूपी है और यूपी में लखनऊ आता है और लखनवी कुजीन जो है काफ़ी फेमस कुजीन है इंडिया का। तो लखनऊ की ये दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुगलों के समय में बनाई जाती थी, मुगलई पराठा। और आज भी लोग बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है वो रेसिपी। ऐसे तो वो चिकन से बनाई जाती है, एग से बनाई जाती है, बट मैं जो उसे वेज से बनाऊंगी, मिक्स वेज से बनाऊंगी। तो देर नहीं करते हुए मैं रेसिपी से स्टार्ट करती हूँ, वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले जल्द से जल्द। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी वो रेसिपी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये स्टेट की इंडिया की नेट 29 स्टेट की सीरीज चल रही है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कीजिए मैं उसको आपके साथ तुरंत शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे एक कप मैदा और उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और उसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक, हल्का सा ही डालेंगे क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस बनाना है। और उसी कप से आधा कप पानी लेंगे जिस कप से हमने मैदा लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो रेडी कर लेंगे, क्योंकि पानी यदि हम एक बार डाल देंगे तो हो सकता है कि डो गीला हो जाए। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को रेडी कर लेना है। डो बहुत कड़ा नहीं करना है, सेमी सॉफ्ट करना है और डो को मसल मसल के चिकना कर देना है। मतलब इसकी पहचान यही है कि आप उसे इतनी अच्छी तरह से गूंद दीजिए ताकि वो चिकना हो जाए, और जब आप उसका रोटी बनाएंगे तो ही आप उसको पतला कर पाएंगे और उसका पराठा अच्छा बन पाएगा स्टफ़ डालने के बाद। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डो जो है वो रेडी हो चुका है। इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट तक। अब हम रेडी करेंगे अपना अगला एलिमेंट। हमने कढ़ाई को गर्म कर दिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। उसमें जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज कटा हुआ, उसे हम सॉटे करेंगे। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा इसमें हम क्रश किया हुआ अदरक और हरा मिर्चा डालेंगे। मतलब हरा मिर्चा और अदरक को मैंने मिक्सर में क्रश कर दिया है और उसे थोड़ी देर सॉटे करेंगे 1 मिनट तक। आफ्टर डैट हम उसमें ऐड करेंगे फूल गोभी 1 कप बारीक कटा हुआ, बंद गोभी 1 कप बारीक कटा हुआ, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ग्रेटेड गाजर 1 कप, रेशियो यही रहेगा फ्रेंड्स, और 1 कप हरी शिमला मिर्च। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के इसमें मिक्स करेंगे, सॉटे करेंगे हम। जब इनका क्रंच थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम इसमें अपना अगला एलिमेंट जो है ऐड कर देंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा अपना, इस तरह से दिखेगा, देन हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर हम डालेंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हम चाट मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 छोटे चम्मच, जो कि चाट मसाला इसको चटपटा टेस्ट देगा, हल्दी इसको कलर देगा। और ऐसे ही मिक्स करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमारे स्पाइसेस जो भी ऐड करने हैं हम ऐड करेंगे, जिसका जितना पकने का समय है वो लेता है। और ये है काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। काली मिर्च पाउडर यदि कम भी पकता है तो चलता है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ये है कसूरी मेथी, जिसको कि हाथ पे हम अच्छे से रब करेंगे। हाथों की गर्मी से ये एक अच्छा सा अरोमा निकलता है, इसको जब हम डालेंगे इस स्टफिंग में तो फ्लेवर इसका निकल के आएगा। सॉटे करेंगे और सबसे एंड में डालेंगे फ्रेंड्स हम इसमें नमक,
क्योंकि नमक का बैलेंस हमें बनाना है। चाट मसाला में ऑलरेडी नमक था, तो स्वाद के अनुसार आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा कितना नीड है, देन आप उसमें उतना ही नमक ऐड करिएगा। और इस तरह से हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। हम आटा देख लेंगे, आटा को थोड़ा सा और भी हम मसल लेंगे और इसे दो भागों में हम बांट देंगे। किचन स्लैब पे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे अच्छे से, पूरा स्पेस चाहिए। और लोई को हम इस तरह से गोल करते हुए किचन स्लैब पे डालेंगे और रोलिंग पिन की हेल्प से उसे हम एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे। मीन्स की रोटी पतली होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए तभी होगी वो पतली। और मैदा को डस्ट करते रहेंगे, जितना हमें नीड है उतना हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो डो हमने जब लगाया था तो उसे बहुत अच्छे से हमें लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे बहुत ही पतला आपको बेल लेना है, क्योंकि पराठा जो होगा तभी जाके बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसको पूरा प्रोसेस में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बनाते समय। ये मुगलई पराठा, तो ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है, उतना छोटा लोई का रोटी देखिए इतना बड़ा बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो पहले वन साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, फिर दूसरे सेम साइड को उसी तरह से फोल्ड करेंगे। हम स्टफिंग रखेंगे, स्टफिंग आपको उतना रखना है ताकि जब आप उसको कट करें तो उसको अच्छा से दिखना चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप उसको डालिए, साइड से इसे पैक कर दीजिए। और अब इसे रोलिंग पिन हमें नहीं चलाना है, तवा गर्म है, मीडियम फ्लेम कर देना है, क्योंकि ये मैदा है, हम मैदे को मतलब पराठे को डाल देंगे तवे पे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि पराठा जो है अच्छे से सिके। और जैसे सिक जाए थोड़ी देर के बाद तो हम साइड को चेंज कर देंगे पराठे की साइड को। तो हमने इसे चेंज किया और उसे भी हम सिकने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बिल्कुल हाई मत कीजिएगा वरना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे, वेजिटेबल ऑयल, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तब तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और आयरन का तवा हमने इसलिए यूज़ किया है कि आयरन के तवे पे बहुत ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हमारा मुगलई पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ, और ये मुगलई पराठा आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से हम इसे कट करेंगे, तो मुगलई पराठा बन के रेडी है फ्रेंड्स। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।